नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंपल फार्मेसी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटिजोलाम टैबलेट के बारे में। दोस्तों इसका उपयोग देखेंगे, साइड इफेक्ट देखेंगे, कैसे आपको यूज करना है इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते समय इसके बारे में बात करेंगे, इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम इसके ब्रांड नेम देखेंगे कि मार्केट में आपको ये किस नेम से मिल जाएगी। दोस्तों मैं सिर्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। मैं इस चैनल पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी और फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये इटिजोलाम क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये एक बेंजोडायाजेपाइन क्लास की मेडिसिन होती है। अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से चिंता या फिर डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल पैनिक अटैक में भी किया जाता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कुछ देखकर या फिर सुनकर, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों इस टैबलेट को खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टैबलेट को एक फिक्स टाइम पर लेना ज्यादा उचित होता है। जैसे कि आज 8 बजे आपने खाया तो कल 8 बजे अगर आप खाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिप्रेशन हो सकता है, मुंह में सूखापन हो सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है मांसपेशियों में, दोस्तों कमजोरी लग सकती है आपके, दोस्तों स्लर्ड स्पीच हो सकती है आपकी या फिर ट्रीमर हो सकता है, और दोस्तों विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो टैबलेट होती है ये काम कैसे करती है हमारे शरीर में। दोस्तों हमारे ब्रेन में एक केमिकल मैसेंजर होता है गाबा। ये मेडिसिन क्या करती है, उसके एक्शन को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है जो हमारी सोचने की क्षमता ज्यादा होती है वो कम हो जाती है और हमारा जो डिप्रेशन होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते समय। दोस्तों एल्कोहल के साथ में इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई माता प्रेग्नेंट है या फिर कोई माता बच्चे को दूध पिलाती है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। ड्राइविंग में फ्रेंड्स ये टैबलेट अनसेफ है। किडनी या फिर लीवर की अगर आपको कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयों के साथ में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों सिसाप्राइड, मॉर्फिन और क्लोनाजेपाम के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसका इस्तेमाल डाइसल्फिराम, कीटोकोनाजोल के साथ में नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसका इस्तेमाल क्लोनिडीन, मीटोक्लोप्रामाइड या फिर सिट्रिजीन के साथ में नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ये टैबलेट इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको काला मोतिया बिंद है या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है या फिर लीवर रोग है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में आपको ये कितने रुपए की और किस नेम से मिल जाएगी। फ्रेंड्स दोस्तों ईटी रेस्ट टैबलेट आती है 0.5 mg की, जो कि 54 रुपए की 10 टैबलेट आपको मिल जाएंगी। दोस्तों ईटी लाम 0.5 mg की टैबलेट आती है जो कि 58 रुपए की 10 टैबलेट आपको मिल जाएंगी। दोस्तों ईटी मार्क 0.5 mg टैबलेट आती है जो कि 42 रुपए की 10 टैबलेट आपको मिल जाएंगी। दोस्तों हमारा वीडियो कम्प्लीट हो गया, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स टेक केयर।